बगहा में छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में 16 दिन बाद बिहार सरकार की नींद टूटी है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के गृह जिले में 14 मार्च को आदिवासी युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग को लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं परिजनों से मिलने के बाद नेताओं ने जल्द न्याय दिलाने और यथासंभव मदद करने की बात कही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बगहा से राकेश सोनी जुड़ चुके हैं। राकेश, 16 दिनों बाद बिहार सरकार की नींद टूटी है, डिप्टी सीएम पहुंचे हैं वहां पर, क्या कुछ डिप्टी सीएम का भी कहना है इस पूरे मामले में? जी बता दें कि आदिवासी युवती के रेप कर हत्या के मामले के 16 दिन बाद बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पहुंचा और परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार तत्पर है, सारे जो भी दोषी है उनको स्पीडी ट्रायल चलाकर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं संजय जायसवाल जी और उप डिप्टी सीएम जो है रेणु देवी, उनका गृह जिला है पश्चिम चंपारण जिला में एक आदिवासी युवती के साथ अपहरण करके रेप की जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उस मामले में 16 दिन बाद उनकी नींद टूटती है जब अन्य पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष, अन्य राजनीतिक दल के लोग आते हैं और उस परिवार को सांत्वना देते हैं और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। उसके बाद 16 दिन बाद जो बिहार के डिप्टी सीएम है रेणु देवी, उनका नींद टूटता है और वो पीड़ित परिवार से मिलने आती है और उसके बाद वो सांत्वना देती है कि जो भी सरकार का जो भी मदद होगा वो इस पीड़ित परिवार को दिलवाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार सरकार के जो अभी है इस मामले में पूरी तरह से लोगों में लेकर काफी आक्रोश था कि भाई जो बिहार सरकार के जो लोग हैं उसमें भी गरीब जिला के उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उन्हीं के जिला में आदिवासियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती है, उसके बाद उनका नहीं आना ये लोगों में काफी आक्रोश था। लेकिन बता दें इस मामले में दो अभियुक्त जिनको पुलिस ने जी राकेश आप कह रहे हैं कि उनका गृह जिला है रेणु देवी का और 16 दिन बाद जाके वो जाके मृतका के परिजनों से मिलती है, इतनी देरी की वजह क्या बताई है डिप्टी सीएम ने? अब सबसे बड़ी बात है कि जो उनके गृह जिला में इतना बड़ा घटना हो जाती है, इससे बड़ा संवेदनहीनता क्या कहा जा सकता है। और उन्होंने अपनी व्यस्तता को बताते हुए बताया कि व्यस्त थे, बाद में उनको जानकारी मिला इसके कारण आने में इतना देरी हो गया। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो एक बार फिर से बताएं, बगहा का ये पूरा मामला था, 16 दिन पहले आदिवासी युवती के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और अब तक न्याय की गुहार परिजन लगा रहे हैं। और आज डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल वहां पर पहुंचे, मृतका के परिजनों से मुलाकात की, यथासंभव मदद और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की आश्वासन दी गई है परिजनों को। बंगाल चुनाव के सियासी रण के बीच बिहार में भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है और इसी कड़ी में पटना स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दीदी बंगाल के साथ बिहारियों को भी हमेशा सम्मान देने का काम किया है और इस चुनाव में उनकी जीत तय है। वहीं मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर सिर्फ एजेंडा चलाकर ममता बनर्जी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ये ममता दीदी ने सब दिन बिहारियों का सम्मान किया है, बंगाल में रह रहे बिहारियों से पूछिए जितना ख्याल ममता दीदी ने बंगाल वासियों का, बंगालियों का रखा है उतना ख्याल वो, उतना सम्मान बिहारियों को भी देती रही हैं। बीजेपी वाले अपनी हार देख करके उनके कहने का फर्जी डिग्री मामले में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को काफी फजीहत झेलनी पड़ी है, जहां पुलिस ने मंगलवार शाम को देवघर के नगर थाना में सांसद से घंटों पूछताछ की। इस दौरान सांसद ने अपनी डिग्री से जुड़े कागजात भी पुलिस के सामने पेश किए। दरअसल सांसद के खिलाफ फर्जी डिग्री को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता विष्णुकांत झा ने नगर थाना में सांसद के खिलाफ फर्जी डिग्री का मामला दर्ज कराया, जिसकी फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। लगातार 3 बार मुझे यहाँ की पुलिस मेरे डिग्री के ऊपर जो है बार बार क्वेश्चन कर रही है, डिग्री मेरे पास है या नहीं है। मेरे ऊपर 420 करने के पहले जिसने FIR किया है विष्णुकांत झा, उसके पास डिग्री होनी चाहिए थी।
उससे नहीं पूछकर पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही है। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने ज्वेलरी लूट कांड, हत्या, रंगदारी सहित कई तरह के आपराधिक घटनाओं में शामिल कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूटा हुआ 25 लाख का सोना भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अपराधी तौकीर लूट में शामिल गिरोह का मुख्य सरगना है, जो पिछले 14 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। थाना में सोना लूट कांड जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण है कि विशेष महत्वपूर्ण इस कारण से है कि इस किसी के माध्यम से रांची पुलिस ने 14 साल के फरार कुख्यात अपराध कर्मी तौफीक की अरेस्टिंग की। और तौफीक के बारे में कहा जाता है तौकीर आलम, और तौकीर के बारे में कहा जाता है कि ये रांची में जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं, जिसमें कि आपकी जानकारों का हत्याकांड वगैरह और उसके फूट और बहुत सारे केसेस तब तक हम लोग कर रहे हैं, अभी हम इसकी अरेस्टिंग हुई है, फिर इसको रिमांड कराया जाके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, 14 साल बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ आगे की कार्रवाई अभी जारी है? देखिए, कल उनको गिरफ्तार किया गया था और बहुत बड़ी लूट में गिरफ्तार ये किया था। 14 साल से पुलिस इंतजार लगी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि ज्वेलर व्यवसाय की 25 लाख का सोना लूटा गया था, उसको लेकर के ये गिरफ्तारी हुई थी। पर इनकी जो ये बहुत पहले से पुलिस यहाँ पर लगी हुई थी तौफीक आलम की गिरफ्तारी को लेकर के, अभी तक सफलता नहीं मिली थी। मगर जी जी कृष्णा, लगता है संपर्क हमारा कृष्णा से टूट गया है। तो आपको बता दिए, पूरा मामला रांची का है। 14 साल बाद कुख्यात गिरोह के अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपराधी के पास से 25 लाख का सोना बरामद किया है, और साथ ही साथ पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अपराधी लूट में शामिल गिरोह का मुख्य सरगना है। खगड़िया जिले में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैला दी है। घटना पसराहा थाना क्षेत्र के पसराहा गांव की है, जिसमें आरजेडी नेता साकेत कुमार सिंह उर्फ गुड्डू बुरी तरह से जख्मी हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। नीतू कुमारी वो अपना देवर सुड्डू सिंह और एक माधीपुर कलर का है, सुजीत के साथ आ रहा था, वही बोला यही हमको मुखिया नहीं बनने देगा, मारो इसको। नीतू कुमारी बोली, सुड्डू सिंह और सुजीत सिंह गोली चलाए, नृपेंद्र को गोली लगी, वहीं पर गिर गया है। सब लोग हमको उठा के लेके आया है हॉस्पिटल। मतलब गोली सर दो लोगों को लगी है। हाँ, हमको तो खगड़िया में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, और इस फायरिंग में आरजेडी नेता साकेत कुमार सिंह उर्फ गुड्डू भी बुरी तरीके से जख्मी हुए, तस्वीरों में आपने देखा, और एक व्यक्ति की इस फायरिंग में मौत हो गई है। लेकिन सवालात अब ये होते कि पंचायत चुनाव नज़दीक है, और इससे पहले जिस तरीके से अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो उस पर प्रशासन पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खगड़िया का पसराहा गांव है, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, और इस फायरिंग के बाद से इलाके में दहशत में जीने को लोग मजबूर हैं।